हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। आपने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है? वेट लॉस, बस ये जी फिट रहने का है। एक तारीख से जिम स्टार्ट करेंगे, रोज टाइम पे उठेंगे, जिम जाएंगे, फिट रहेंगे। लेकिन वो होता रहता है, वो घूमने का प्लान हो गया फरवरी। मैं शराब पीता था, अब छोड़ दूंगा। बर्थडे तो मेरा न्यू ईयर में ही आता है, जनवरी 4 को है, तो लास्ट वो दिन रहेगा, उसके बाद फिर नहीं। लास्ट 4 जन, उसके बाद फिर नहीं रहेगा। इस बार अपनी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉरेन ट्रिप का है। इस साल कैसे भी जाना है, लास्ट ईयर हुई नहीं थी। मैंने सोचा है कि बस प्यार स्प्रेड करना है हर जगह। मिसाल ये बोला था कि झूठ नहीं बोलना है किसी से, बट बहुत झूठ बोले। सो आई विल बी गेटिंग फिट, आई विल बी स्मोकिंग लेस। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ अंकिता चौहान। 2019 अपने आखिरी पड़ाव पर है और हम सब कुछ ना कुछ सोचा होगा कि ये रेजोल्यूशन लिया है, इसे पूरा करेंगे। मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, लेकिन मैं तो पूरा नहीं कर पाई, मैंने तो शुरू में ही छोड़ दिया। लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा, पूरा भी किया होगा, इस साल फिर कुछ लिया होगा। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ कोई है। क्या नाम है आपका? प्रशांत। ठीक है, आपने 2019 खत्म होने वाला है बिल्कुल, और आपने कुछ रेजोल्यूशन लिया होगा। क्या है, क्या लिया, पूरा करा या नहीं करा? हाँ, मैंने सर रेवोल्यूशन लिया था CGL का, तो फिर CGL का मेरा हाँ पूरा हो गया। पूरा हो गया मतलब? हाँ, तो अब क्या इस साल आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है? इस साल आगे तैयारी करने का, एग्जाम। अच्छा, तो मतलब सिर्फ पढ़ने का लिया है या अभी फैमिली को भी कुछ टाइम देना है या फ्रेंड्स को भी कुछ टाइम देना है? हाँ, फैमिली के लिए, कि एग्जाम निकल जाएगा एक बार तो फैमिली की ट्रिप पे जाएंगे। ठीक है, फ्रेंड्स को टाइम देने के लिए कुछ सोचा है या बस एग्जाम ही देने हैं और कुछ नहीं? हाँ बिल्कुल, फ्रेंड्स के टाइम, फ्रेंड्स के साथ तो हमेशा ही। ओके ओके, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशी है। ठीक है, आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है इस साल, क्या सोचा है कि आप क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली जो पुअर पीपल हैं, जैसे जिनको नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, हम जो यूज नहीं करते चाहिए, वो देके हेल्प करना। ठीक है, आपने ऐसा क्या रेजोल्यूशन लिया था जिसको आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं या आपने सोचा था तो वो आधे में ही छोड़ दिया? हाँ, सेम थिंग यही था कि हेल्प कर सकूं, तो किया था बट उतना नहीं हो पाया। फैमिली फ्रेंड्स को लेके अगर कुछ ऐसा सोचा हो आपने कि फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएंगे, उनसे मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं, फैमिली को लेके नहीं, फ्रेंड्स को लेके भी नहीं सोचा था, बट ये था कि किसी नीडी जिसको हेल्प चाहिए उसकी हेल्प कर सकूं बस। ठीक है, शिखा। ओके, तो आपने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया इस बार? वेट लॉस। ओके, वेट लॉस इन्होंने लिया है। पिछले साल क्या लिया था? नथिंग, आई वाज जस्ट मेंटेनिंग माय वेट एट दैट मोमेंट। ओके, तो मतलब इन्होंने सोचा है कि इस बार ये वेट लॉस करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसका तो अभी कुछ प्लानिंग, जिम वगैरह कुछ? जिम एंड स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल। ओके, थैंक यू मैम। आपने क्या इस बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया मैम? मैंने डू योगा एवरी डे। ओके, वैसे आप बहुत फिट है, जरूरत है नहीं आपको, लेकिन फिर भी। और जो 2019 में आपने लिया हो लेकिन उसे आप पूरा ना कर पाई हो? 2019 में भी यही लिया था बट नहीं कर पाई थी। देखा आपने, बहुत चीजें ऐसी होती है कि हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं लेकिन उसे पूरा तो बिल्कुल नहीं कर पाते। मैम, इस साल सबसे अच्छा रेजोल्यूशन तो मैंने कैब 1 RC के लिए लिया, इसलिए मैं हम सोच भी बहुत खुश हूँ इसके लिए। जो भी मोदी जी ने फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया है। अच्छा, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग सा? मैम इंस्टेंट सब कुछ इंटरेस्टिंग ही है, कुछ ऐसा खास नहीं रहा। अपनी लाइफ को लेकर? मैम लाइफ को लेके आगे ही बढ़े हैं, ग्रोथ ही हुई है। तो आपने पिछले साल ऐसा क्या रेजोल्यूशन लिया था जो पूरा नहीं कर पाए? मैम फिलहाल तो मैं MBA कर रहा था, इस बार MBA कंप्लीट हुआ, काफी अच्छे नंबरों से पास हुआ मैं। ठीक है, आपने मैंने भी वही, मेरा भी ग्रोथ हुआ है, आगे बढ़ी हूँ मैं और आगे बढ़ूंगी इस साल। यही है मेरे साल। कौन सा रेजोल्यूशन लिया था जिसे पूरा कर पाए हैं या नहीं कर पाए? मैंने ये लिया था, अपनी ग्रोथ लूंगी, आगे बढ़ूंगी, तो मैं उसमें सक्सेसफुल हुई और मैं आगे बढ़ी। रेजोल्यूशन मैंने अभी सोचा नहीं है, बट यस आई एम प्रोबेबली थिंकिंग कि मैं अपना रोज का थोड़ा सा टाइम निकालूं कि मैं अपनी स्टडीज के ऊपर थोड़ा या जनरल नॉलेज के ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकूं। स्टडीज के ऊपर फ्रेंड्स फैमिली को कुछ नहीं? नहीं, वो है, वो सारी चीजें तो हम पूरा साल करते रहते हैं, बस स्टडी के लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है बिकॉज अभी एग्जाम चल रहे हैं। तो सिंस लास्ट मंथ में पढ़ाई कर रही तो अब उससे इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, मैं सोची इसको कंटिन्यू करूँ। तो इंटरेस्ट तो उससे भी पड़ेगा ना कि इस साल लोग कहीं कहीं शिमला घूमने जा रहे हैं कहीं और? वो होता रहता है, वो घूमने का प्लान हो गया फरवरी। पिछले साल कुछ लिया हो जिसे आप पूरा करा हो या ना कर पाए हो? नो, कुछ नहीं।
फिर? मैं शराब पीता था, अब छोड़ दूंगा। अच्छा, फिर फिटनेस फ्रीक बन जाऊंगा मैं। पिछले साल क्या लिया था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, इस साल पूरा करना है? बिल्कुल, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग कर दी है मैनेअब इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा। कहीं फिर मनाली जाके? नहीं, अब पॉसिबल ही नहीं है। तो जिम वगैरह करने की सोची है? हाँ, स्टार्ट कर दिया है मैंने, अब इसे आगे तक कंटिन्यू रखूंगा। आपने क्या न्यू रेजोल्यूशन लिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज अनुराग कुमार एंड न्यू रेजोल्यूशन है फर्स्ट ऑफ ऑल जिम एंड सेकेंड वो गुटखा या वाइन ये सब जो करते हैं ना वो सारा खत्म कर देना। अच्छा, मतलब आप करते हैं? लास्ट ईयर लिया था वाइन का ही, बट हुआ नहीं। अच्छा, बट डैम बार भी टूट जाए तो? डैम श्योर है कि नहीं टूटेगा। अच्छा, और बर्थडे हो, पार्टीज हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर बाहर जाना, उसमें टूट जाए तो? अगर मान लीजिए फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा यही? बर्थडे तो मेरा न्यू ईयर में ही आता है, जनवरी 4 को है, तो लास्ट वो दिन रहेगा, उसके बाद फिर नहीं। लास्ट 4 जन, उसके बाद फिर नहीं रहेगा वाइन का। फोर्थ के बाद ले लेंगे ना, फोर्थ को हम ले। मतलब आपने अलग से ही चला दिया कि आप अलग से ले? हाँ, न्यू ईयर में फोर्थ के बाद कुछ नहीं होगा, फोर्थ होगा लास्ट, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आपका अलग से रेजोल्यूशन है तो? बिल्कुल स्टार्ट होने के बाद। बिल्कुल, वेलकम। क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन? कुछ भी नहीं सोचा, फ्रेंड्स के साथ घूमना, फैमिली को टाइम देना, पढ़ना? हाँ बस थोड़ा वो सोचा है, फ्रेंड्स के साथ अभी घूमने जाएंगे कहीं, दिल्ली हाट जैसे अभी ज्यादातर लोग यही करते हैं, दिल्ली हाट में सीपी टिकटॉक वीडियो। अच्छा, मतलब टिकटॉक आपने सोचा कि आप टिकटॉक बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचा कि कहीं शिमला चले जाए, मनाली चले? यहाँ मनाली बना हुआ है, इतना बर्फ नहीं पड़ती ना यहाँ पे? बर्फ भी पड़ जाएगी अच्छे खास। अच्छा, मतलब मौसम हो रहा है। हाँ, कुछ अलग नहीं, कुछ अलग नहीं। साल कुछ किया हो जैसे पूरा ना कर पाए? पिछले साल प्लानिंग अभी तक चली नहीं है क्या? नहीं, तो मतलब कुछ तो किया हो, कुछ सोचा हो इंटरेस्टिंग सा? इंटरेस्टिंग सा तो बस यही सोचा है, यही अब घूमने का ही, बस और कुछ नहीं सोचा। मैं इन साल, मैं अभी अगले साल का, अभी तो इन साल अब बीतने वाला है, अगले साल का प्लानिंग अभी कोई तय नहीं किया है कि अभी आने वाला सिचुएशन क्या रहेगा। अभी हम लोग SIS में हाँ अभी ड्यूटी पे हैं, अभी ड्यूटी के दौरान अभी छुट्टी अभी नहीं मिल पाई है हम लोगों को, तो जैसे छुट्टी मिलेगा उस तरह हम लोग प्लानिंग करेंगे। हम लोग का ट्रैफिक ड्यूटी है यहाँ पे SIS के द्वारा। ठीक है, अगर छुट्टी मिलती है तो फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने का कुछ सोचा हो, कुछ प्लान करा हो? हाँ, छुट्टी जैसे हम लोग का पास होता है तो जरूर हम प्लानिंग करेंगे कहीं घूमने का, कहीं टूरिस्ट प्लेस जहाँ होगा। आपने अपने बच्चों को, वाइफ को कुछ प्रॉमिस किया हो गया उनको वहाँ लेके जाएंगे, लेकिन छुट्टी नहीं मिली तो आपने कैंसिल कर दिया? नहीं, बिल्कुल बच्चों का, फैमिली का रहता है, उनका भी होता है कि कहीं घूमने चला जाए इस वेकेशन में, तो जैसे ही मिलेगा छुट्टी हम लोगों का वैसे हम लोग प्लान करेंगे कहीं जाने का, कहीं घूमने का। पिछले साल हमने वैष्णो देवी जाने का प्लान किया था, लेकिन अभी हम वैष्णो देवी नहीं जा पाए हैं, तो अगर छुट्टी मिलता है तो हम प्लानिंग रहेगा वैष्णो देवी जाने का जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, बस ये जी फिट रहने का है, 1 तारीख से जिम स्टार्ट करेंगे, रोज टाइम पे उठेंगे, जिम जाएंगे, फिट रहेंगे। लेकिन ठंड तो बढ़ गई है, कहीं ये ना हो कि फिर ठंड देखते हुए आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन छोड़ ही दे कि चलो आज तो सो जाते हैं। जी जी, हो सकता है, लेकिन कुछ करना है तो करना ही पड़ेगा, ये कि हफ्ते में 4 दिन चले जाएंगे वर्कआउट के लिए। ठीक है जी। पिछली बार क्या लिया था आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन? पिछली बार भी जिम का लिया था, लेकिन वो हो नहीं पाया पूरा। अच्छा, वहीं पर आप सो गए क्या? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देख लीजिए इस बार फिर पूरा करने का इरादा है कि नहीं? इस बार करना ही करना है। ठीक है जी जी, ओके, थैंक यू मैम। आपने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है? वेट लॉस, बस ये जी फिट रहने का है, 1 तारीख से जिम स्टार्ट करेंगे, रोज टाइम पे उठेंगे, जिम जाएंगे, फिट रहेंगे। लेकिन वो होता रहता है, वो घूमने का प्लान हो गया फरवरी। मैं शराब पीता था, अब छोड़ दूंगा। बर्थडे तो मेरा न्यू ईयर में ही आता है, जनवरी 4 को, तो लास्ट वो दिन रहेगा, उसके बाद फिर नहीं। लास्ट 4 जन, उसके बाद फिर नहीं रहेगा। इस बार अपनी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का। न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉरेन ट्रिप का है, इस साल कैसे भी जाना है, लास्ट ईयर हुई नहीं थी। मैंने सोचा है कि बस प्यार स्प्रेड करना है हर जगह। इस साल ये बोला था कि झूठ नहीं बोलना है किसी से, बट बहुत झूठ बोले। सो आई विल बी गेटिंग फिट, आई विल बी स्मोकिंग लेस। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है? वेट लॉस,
बस ये जी फिट रहने का है, एक तारीख से जिम स्टार्ट करेंगे, रोज टाइम पे उठेंगे, जिम जाएंगे, फिट रहेंगे। लेकिन वो होता रहता है, वो घूमने का प्लान हो गया फरवरी। मैं शराब पीता तब छोड़ दूंगा। बर्थडे तो मेरा न्यू ईयर में ही आता है, जनवरी 4 को है, तो लास्ट वो दिन रहेगा, उसके बाद फिर नहीं, लास्ट 4 जन उसके बाद फिर नहीं रहेगा। इस बार अपनी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का। न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉरेन ट्रिप का है, इस साल कैसे भी जाना है, लास्ट ईयर हुई नहीं थी। मैंने सोचा है कि बस प्यार स्प्रेड करना है हर जगह। इस साल ये बोला था कि झूठ नहीं बोलना है किसी से, बट बहुत झूठ बोले। सो आई विल बी गेटिंग फिट, आई विल बी स्मोकिंग लेस। इस बार अपनी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का। ठीक है, बट अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारी शॉपिंग भी। वो लास्ट ईयर का था। पूरी हो गई? हाँ। इस बार कुछ ज्यादा सोचा हो कि नहीं, इससे ज्यादा शॉपिंग करनी है? हाँ सोचा है ना, बिल्कुल, लड़कियां हैं तो सोचना तो बनता है। राइट, ठीक है। तो इस बार मतलब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, आपको पूरा करना है, और कुछ? कुछ ड्रीम्स है दो चार, वो भी पूरे कर लेंगे। ठीक है, और घूमना फिरना कहीं जाना, इतना अच्छा मौसम है, कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ? गोवा। ओके, थैंक यू। ओके, क्या नाम है आपका? रिंकी। ठीक है, आपने क्या रेजोल्यूशन लिया? सी ए फाइनल में आना है। ओके, कुछ और? कुछ और तो घूम के तो अभी मैं वैष्णो देवी आई हूँ। ठीक है, वैष्णो देवी के अलावा फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना हो तो? गोवा। पिछले साल ऐसा कुछ याद नहीं है। याद नहीं है, थैंक यू। क्या नाम है सर? ब्रजेश उपाध्याय। ठीक है, आपने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉरेन ट्रिप का है, इस साल कैसे भी जाना है, लास्ट ईयर हुई नहीं थी। ठीक है, आपने फॉरेन ट्रिप सोची है, किसके साथ सोची है? वाइफ के साथ। ओके, तो कुछ ऐसा कि आप पिछले साल क्या पता आपने लिया हो और आपको कर ना पाए हो, बीवी नाराज हो गई हो फिर इससे? स्मोकिंग छोड़ने का था, वो नहीं हो पाया। तो इस बार हो जाएगा? मुश्किल है। मुश्किल है, नाराज तो नहीं होगी बीवी? नहीं, वो पहले से ही थोड़ा सा माइंड मेकअप कर रहे हैं। तो मतलब आपने फॉरेन ट्रिप बोल के उनको मना लिया कि बस? हाँ, समवेयर है ना, सिवलेट। ठीक है, नाम? क्या नाम है? दीपा उपाध्याय। तो मतलब आपकी फॉरेन ट्रिप है इस बार? या फाइनल। और जो इन्होंने पिछली बार सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया, उसको लेकर कुछ कम हो रहा है? छोड़ा नहीं है, बट स्टार्ट कर जाएंगे अगर फॉरेन ट्रिप हो गई तो? नहीं, कम कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप का कोई हो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग होनी है। और कुछ आपने सोचा हो? तू ही नुमा रहे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का सेम ड्रीम्स है। इस बार इनकी स्मोकिंग छुड़वानी है? वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मतलब वर्क और प्रोफेशनली उसमें वो पॉसिबल नहीं है। वेलकम। मतलब कुछ करना है, फ्रेंड्स के साथ कुछ जाना है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है? हाँ, मंसूरी जाएंगे हम। मंसूरी जाओगे? अच्छा ठीक है, क्या सोचा है? पिछले साल क्या लिया था? पिछले साल हम गए थे शिमला। शिमला गए थे, इस बार मसूरी जाना। हाँ। कुछ और नहीं करना लाइफ में? सिर्फ घूमना नहीं है? हाँ, घूमना भी है, और अब हम 10th में है ना, अब 11th में जाएंगे तो अच्छा। पढ़ाई के बारे में भी सोचेंगे अब। थोड़ा सा सोच लेंगे। हाँ। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो घूमना ही है? नहीं नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई है। अच्छा, सोचा हो कि इतने अच्छे मार्क्स लाएंगे और टॉप करेंगे, कुछ सोचा हो? हाँ, ये भी सोचा है। अच्छा, मतलब ये भी सेकंड प्रायोरिटी है, पहले सोचा है कि सिर्फ घूमना है? नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी है पढ़ना, दूसरी प्रायोरिटी है घूमना। अच्छा ठीक है, मतलब शौक भी तो पूरा करना है। रेजोल्यूशन ये है कि 19 जो ईयर था मेरा, वो ज्यादा डेडिकेटेड था टुवर्ड्स वर्क। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि कुछ फ्रेंड्स और फैमिली को भी टाइम दिया जाए। बहुत अच्छा न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने लिया है। पिछले साल क्या लिया था जो पूरा नहीं हो पाया? ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि मतलब ज्यादा डेडिकेटेड रहूंगा काम के लिए, और वो किया मैंने। तो मतलब फैमिली फ्रेंड्स को लेके आपने? हाँ, इस बार मैं नहीं दे पाया टाइम, तो सोच रहा हूँ कि 2020 में इस बार दूंगा मैं। तो कहाँ लेके जाएंगे, कहीं घूमने या उनको सिर्फ घर पे ही टाइम? नहीं नहीं नहीं, कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं जैन में, तो आई होप कि मतलब पूरा करूंगा रेजोल्यूशन। स्टार्टिंग से कहाँ पे कुछ घूमने का प्लान किया हो? अभी सोच रहा हूँ कि मनाली जा रहे हैं हम लोग, तो पॉसिबली हर मंथ कुछ ना कुछ फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो उनको टाइम मिलेगा। ओके, क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन? कुछ भी नहीं सोचा, फ्रेंड्स के साथ घूमना, फैमिली को टाइम देना, पढ़ना लिखना? हाँ बस थोड़ा वो सोचा है, फ्रेंड्स के साथ अभी घूमने जाएंगे कहीं। अच्छा। दिल्ली आर्ट, जैसे अभी ज्यादातर लोग यही करते हैं, दिल्ली आर्ट में सीपी टिकटॉक वीडियो। अच्छा, टिकटॉक आपने सोचा कि आप टिकटॉक बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचा कि कहीं शिमला चले जाए, मनाली चले? यहाँ मनाली बना हुआ है, इतना बर्फ नहीं पड़ती ना यहाँ पे, बर्फ भी पड़ जाएगी अच्छी खास मौसम हो रहा है। हाँ, कुछ अलग नहीं, कुछ अलग नहीं। पिछले साल कुछ लिया हो जैसे पूरा ना कर पाए हो? पिछले साल प्लानिंग अभी तक चली नहीं है क्या? नहीं, तो मतलब
मतलब कुछ तो दिया हो, कुछ सोचा हो इंटरेस्टिंग सा? इंटरेस्टिंग सा तो बस यही सोचा है, यही अब घूमने का ही, बस और कुछ नहीं सोचा। रेजोल्यूशन मैंने अभी सोचा नहीं है, बट यस आई एम प्रोबेबली थिंकिंग कि मैं अपना रोज का थोड़ा सा टाइम निकालूं कि मैं अपनी स्टडीज के ऊपर थोड़ा या जनरल नॉलेज के ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकूं। स्टडीज के ऊपर फ्रेंड्स फैमिली को कुछ नहीं? नहीं, वो है, वो सारी चीजें तो हम पूरा साल करते रहते हैं, बस स्टडी के लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है बिकॉज अभी एग्जाम चल रहे हैं। तो सिंस लास्ट मंथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो अब उससे इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, मैं सोच इसको कंटिन्यू करूँ। तो इंटरेस्ट तो उससे भी पड़ेगा ना कि इस साल लोग कहीं कहीं शिमला घूमने जा रहे हैं कहीं और। वो होता रहता है, वो घूमने का प्लान हो गया फरवरी। पिछले साल कुछ लिया हो जिसे आप पूरा करा हो या ना कर पाए? नो, कुछ नहीं। क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया? मैंने सोचा है कि बस प्यार स्प्रेड करना है हर जगह। पिछले साल क्या लिया था? पिछले साल क्या लिया था? पिछले साल ये बोला था कि झूठ नहीं बोलना है किसी से, बट बहुत झूठ बोले। वो पूरा नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, बट इस बार है कि झूठ भी नहीं बोलना, प्यार स्प्रेड करना है। पिछले साल पूरा नहीं हो पाया, इस बार हो जाएगा? यस, हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मेरे को अपने आप पर भरोसा है। आपका क्या नाम है? दीक्षा। ठीक है, आपने क्या न्यू रखा? यार अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट हाँ ये है कि 2019 में काफी अच्छा ग्रो करा है, तो 2020 में काम ज्यादा करना है। अच्छा, और फैमिली फ्रेंड्स के लिए कुछ सोचा हो? यही है सारे, और क्या करना है, कुछ नहीं, घूमते रहना है। 2019 में क्या लिया था? कुछ भी नहीं, कुछ भी ना। इस साल कुछ लिया है तो पूरा हो जाएगा? हो जाएगा, हाँ, पक्का, फॉर श्योर, यस। दोस्तों को देखकर? बिल्कुल। हे, आपका क्या नाम? पलक। ओके, आपने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन? सो आई विल बी गेटिंग फिट, आई विल बी स्मोकिंग लेस, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, या दैट्स इट। ओके, तो लास्ट ईयर क्या लिया था? That I'll be getting settled, but वो नहीं हो पाया। ठीक है, इस बार सोचा है तो पक्का पूरा तो करना ही है। 110%। और अगर नहीं हो पाया, मान लीजिए नहीं होगा ऐसा, कि एक स्मोकिंग तो मतलब थोड़ी सी कर ले। नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल मजबूत है लड़की, बहुत दीदी, बहुत शॉर्ट है। ठीक है, तो मतलब इस बार क्लियर है कि बस करना, फंडा क्लियर है, सॉर्टेड। या तो देखा आपने लोगों ने क्या क्या न्यू रेजोल्यूशन लिया है, कि इस बार तो वो पूरा करेंगे ही करेंगे। मैंने भी कुछ लिया है, जैसे मैं पिछले साल तो बिल्कुल पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन इस साल सोच रही हूँ कि पूरा कर ही लूं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। कैमरा पर्सन सूरज के साथ अंकिता चौहान, हरियाणा न्यूज। आपने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है? वेट लॉस, बस ये जी फिट रहने का है। 1 तारीख से जिम स्टार्ट करेंगे, रोज टाइम पे उठेंगे, जिम जाएंगे, फिट रहेंगे। लेकिन वो होता रहता है, वो घूमने का प्लान हो गया फरवरी। मैं शराब पीता था, छोड़ दूंगा। बर्थडे तो मेरा न्यू ईयर में ही आता है, जनवरी 4 को है, तो लास्ट वो दिन रहेगा, उसके बाद फिर नहीं, लास्ट 4 जन, उसके बाद फिर नहीं रहेगा। इस बार अपनी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का। न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉरेन ट्रिप का है, इस साल कैसे भी जाना है, लास्ट ईयर हुई नहीं थी। मैंने सोचा है कि बस प्यार स्प्रेड करना है हर जगह। इस साल ये बोला था कि झूठ नहीं बोलना है किसी से, बट बहुत झूठ बोले। सो आई विल बी गेटिंग फिट, आई विल बी स्मोकिंग लेस।